वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर में 14 टू 26 को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच कॉस्ट इज ट्रीटेड एज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी। जो मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो जो सबसे मेन उनकी वेरिएबल कॉस्ट है वो तो फ्यूल है, पेट्रोल या डीजल जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे उतनी ज़्यादा उनकी ये कॉस्ट लग रही होगी। तो एडवर्टाइजिंग जो है ये तो डिपेंड करती है कि वो कितना करना चाह रहे हैं। ड्राइवर इंश्योरेंस ये एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है एनुअली, व्हीकल लाइसेंस भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो फ्यूल कॉस्ट वुड बी द वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 15 है विच आइटम इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। कैरिज इनवर्ड ऑन प्रोडक्शन मटीरियल, प्रोडक्शन मटीरियल वुड बी डायरेक्ट मटीरियल, उन पर जो कैरिज इनवर्ड है वो भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, तो ये करेक्ट होगा। बाकी भी देख लेते हैं। क्लीनिंग मटेरियल जो हैं ये क्लियरली इनडायरेक्ट मटेरियल हैं क्योंकि प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं होते। फैक्ट्री रेंट और वेजेस ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर जो है वो सुपरविजन रोल में है तो वो भी इनडायरेक्ट लेबर होगा, और फैक्ट्री रेंट एक इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड है तो वो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। तो डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ एक है इन चार में से, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16 है कंपनी करंटली प्रोड्यूसेस 6000 यूनिट्स ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट ईच पीरियड इनकरिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 60,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 42,000। प्रोडक्शन विल इंक्रीज टू 8,000 यूनिट्स पर पीरियड इफ द कंपनी एक्सपेंड्स कैपेसिटी रिजल्टिंग इन चेंजेस बोथ टू द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टू द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट्स पर पीरियड टोटल वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 76,000, इंक्रीज है इसमें, एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 50,000, इनमें भी इंक्रीज है। वट इज़ द रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट। जो पहले 6,000 यूनिट बना रहे थे उस तो उसमें पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही थी, कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ 8,000 यूनिट्स पर पीरियड विद द यूनिट कॉस्ट करंटली बी इनकर्ड। करंटली 6,000 लग रहा है और बाद में 8 पर इंक्रीज कर रहे हैं 8,000 पे, तो सिंपली जो टोटल कॉस्ट है उसको पहले 6,000, जो पहले कॉस्ट लग रही है उसको 6,000 यूनिट से डिवाइड कर दें, जो अब कॉस्ट लग रही है 8,000 यूनिट्स पे उसको 8,000 से डिवाइड कर दें, तो हमें नज़र आ रहा है कि पहले कॉस्ट पर यूनिट 17 लग रही थी अब 15.75 लग रही है, तो 1.25 पर यूनिट कॉस्ट में रिडक्शन। क्वेश्चन 17 है फरान लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हैंडबैग्स, फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग है, जो परचेज हुई है वो भी बताई हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है। What is the amount of raw materials consumed for the month of April 2019? So, इसमें जो relevant information है वो material से related होगी। So, opening plus purchases minus closing 373,000। Question 18 है Faran Limited is manufacturer of handbags, following figures have been provided for the month of April 2019। So, what is the figure for prime cost? तो प्राइम कॉस्ट में हमें मटेरियल और लेबर लेने होते हैं। रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है, ये भी लेंगे और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी लेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट लेबर को इग्नोर करते क्योंकि वो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है, वो प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। सो आर आंसर वुड बी 673,000। क्वेश्चन 19 है कि फरान लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ हैंडबैग्स, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। साथ ये बताया हुआ है कि ओनली 60% ऑफ द यूटिलिटीज एक्सपेंसेस एंड 70% ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस अप्लाई टू फैक्ट्री ऑपरेशंस, द रिमेनिंग अमाउंट शुड बी चार्ज टू सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द मंथ। जो रॉ मटेरियल परचेज और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये प्रोडक्शन कॉस्ट तो है लेकिन ये प्राइम कॉस्ट में आएगी, ये फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं होगी। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज को भी हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है। रेंट ऑफ फैक्ट्री लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ सेल्स इक्विपमेंट ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज होगी, रेलिवेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट को भी लेंगे, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी लेंगे, यूटिलिटीज जो है इनका 60% लेंगे और इंश्योरेंस का 70%, क्योंकि बाकी जो इनकी परसेंटेज है वो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस से रिलेट करती है। तो रेलिवेंट आइटम्स को सिंपली टोटल कर लेते हैं, 249,000 हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 20 है कि नीलम एंड कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019। मटेरियल जो परचेज किए हैं वो 500,000,
रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री 80 और क्लोजिंग 120। ग्रॉस पेरोल जो है वो 2 मिलियन का है, जिसमें से 50% डायरेक्ट लेबर है, 20% इनडायरेक्ट लेबर, 20% एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और 10% सेल्स स्टाफ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी? तो एक तो मटेरियल कंज्यूम्ड हम निकाल लेंगे फर्स्ट टू इन्फॉर्मेशन से, दूसरी बात ये कि हमें सिर्फ डायरेक्ट लेबर चाहिए तो हम 50% अमाउंट लेंगे, क्योंकि जो भी इनडायरेक्ट लेबर है या जिसका ताल्लुक एडमिन सेलिंग से है वो हमारी प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। सो रॉ मटेरियल का ओपनिंग परचेजेस क्लोजिंग से कंज्यूम्ड आ जाएगा 460,000 और डायरेक्ट लेबर हमारा 1 मिलियन का लगा है, 1460,000 इज आर आंसर। क्वेश्चन 21 है, विच इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट, मंथली रेंट ऑफ ₹100,000 कॉन्ट्रेक्चुअली स्पेसिफाइड इन अ 1 ईयर लीज। तो अप टू 1 ईयर तो आपका रेंट चेंज नहीं होने वाला, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ही है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी कॉस्ट फिक्स नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 50,000 पर ईयर पेड लास्ट मंथ, तो ये भी कॉस्ट आपकी फिक्स है, अब आप जो मर्जी प्रोडक्शन करें उसमें चेंज नहीं आएगा। ऑडिट फी ऑफ ₹500,000 पर ईयर, तो ये ऑडिट फी भी जो है आपकी एनुअल एक फिक्स कॉस्ट है, तो यहाँ पर ये भी वेरिएबल नहीं है। पोस्ट पेड मोबाइल बिल, पोस्ट पेड मोबाइल बिल में जो बिल आएगा वो यूजेज की बेसिस पर आएगा, तो ये एक वेरिएबल कॉस्ट होगी या सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्ट आर एज्यूम्ड टू स्टे द सेम पर यूनिट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो पर यूनिट जो कॉस्ट सेम रहती है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल में जो सेम रहती है वो फिक्स्ड कॉस्ट, जो पर यूनिट में सेम रहती है वो वेरिएबल कॉस्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 23 है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वुड बी जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो एंड वुड डिक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट। तो जो पहले जीरो है वो फिर डिक्रीज कैसे होगी, तो ये बात तो वैसे ही सेंस नहीं बना रही कि वो जीरो आउटपुट पे जीरो होगी और जो है आउटपुट के हिसाब से डिक्रीज हो रही होगी। Be more than zero if no products were made and would then increase in direct proportion to output. This is what a semi-variable cost is. So kind of this graph के कुछ ना कुछ cost आपकी तब भी लग रही है, fixed cost है जो के, और फिर उसके बाद आपकी cost increase हो रही है जैसे जैसे आपकी production बढ़ रही है, तो option B is the answer. C में जो है वो fixed amount when output was zero and would not increase in direct proportion to output, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की नहीं है क्योंकि ये गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन में ये कि बी जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो एंड वुड इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट, सो वो तो वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी, तो दैट इज नॉट द आंसर। क्वेश्चन 24 है, एन एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट वुड बी वेजेस पेड टू ऑपरेटिव ऑन बेसिक पे टॉप्ड अप बाय अ प्रोडक्शन बोनस स्कीम। ये फिक्स्ड भी है और वेरिएबल उसके अलावा है, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल है, ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। जो बी पार्ट है कि रॉ मटेरियल ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जो है ये भी हमारी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, सैलरीज ऑफ डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर ये यूजुअली फिक्स्ड कॉस्ट होती है। क्वेश्चन 25 है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज फोर टाइप्स ऑफ कॉस्ट आइडेंटिफाइड एज ए बी सी एंड डी, द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच टाइप एट टू डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल इज। तो 100 यूनिट्स और 150 यूनिट्स के लिए कॉस्ट गिवन है, तो कोई भी कॉस्ट हम देख रहे हैं कि दो लेवल्स पर सेम नहीं है, तो इनमें से कोई भी कॉस्ट फिक्स तो नहीं है, तो क्या तो ये वेरिएबल होंगी या फिर सेमी वेरिएबल होंगी। क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ कॉस्ट वुड बी क्लासिफाइड एज सेमी वेरिएबल। तो इसका सिंपल सा वे ये है कि रेलिवेंट कॉस्ट को उसके रेलिवेंट यूनिट से डिवाइड करके देख लेते हैं, 15, 18, 20, 30, 15, 16, 20 and 28। तो वी कैन क्लियरली सी के सी और ए में कॉस्ट बिल्कुल सेम चल रही है पर यूनिट, इट मींस कि ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी हमारे पास, बी एंड डी, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 26 है, कंपनी पेज टू इट सेल्समैन अ मिनिमम सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स, सेल्समैन टोटल रिमुनरेशन इज द एग्जांपल ऑफ। तो जो मिनिमम सैलरी है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट और उसके बाद जो कमीशन मिलना है वो वेरिएबल नेचर का है, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो ये एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसको सेमी फिक्स्ड या मिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं, सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।